हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस करते हैं जो कि डेली एडिशन का होता है। आज है 8 फरवरी 2019। तो चलिए देखते हैं आज की जो एडिटोरियल है उसकी करंट अफेयर्स। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यह चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जब भी वीडियो अपलोड होगा आपका कोई भी वीडियो मिस वगैरह भी नहीं होगा। और आपको इसके साथ साथ और भी वीडियो मिल जाएंगे, राजनीति के, इतिहास के, ज्योग्राफी, भूगोल के, और इन सब पर काम चल रहा है तो आप ये सब वीडियो भी देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ एक डेली का जो मैप का वेब का, उसका आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप कृपया कर इसका आंसर जरूर दें, आपका ही फायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, मोटिवेशन के लिए थोड़ा तो करें, लाइक कमेंट तो जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का जो मैप है इसमें जो आज देखने जा रहे हैं हमने यहाँ तक इंडिया के जो जितने राज्य हैं अभी सबको देख लिया है। अब जो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित राज्य है, उनको हम देखने वाले हैं। दिल्ली को हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं तो मैप में आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के उपराज्य हैं, उपराज्यपाल जो है एडमिरल जनरल सेवानिवृत्ति के बाद हैं, जो कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है, इनका नाम रखें। यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। राजधानी है इसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये रही राजधानी। तो इसको देख सकते हैं साउथ अंडमान हो गया यहाँ पर, जिसको हम दक्षिण अंडमान बोलते हैं, और मिडिल यानी मध्य अंडमान हो गया, और एक उत्तर अंडमान हो गया, ठीक है। तो याद रखें इसकी थोड़ी लोकेशन, आसपास देख लें, बे ऑफ बंगाल में है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। ऊपर म्यांमार हो गया, ठीक है, इधर श्रीलंका हो गया इस तरफ। और आप यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप बड़े मैप में देख लीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेशिया हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा अंडमान, ठीक है, यहाँ पर थाईलैंड हो गया, यहाँ पर मलेशिया हो गया, कम्बोडिया हो गया, लाओस, तो ये सब आप लोकेशन याद रख सकते हैं। नीचे सिंगापुर हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ, जिसमें आज की जो पहली न्यूज है वो है काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता होगा 2014 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, अब फिर से चुनाव होने वाले हैं 2019 में। अभी तो 5 साल हो चुके हैं सरकार के, तो 5 साल में सरकार ने जो काम किया है उसका बताया जा रहा है, उसके बारे में किस तरह से सरकार ने यहाँ पर काम किया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो उन सब बातें की जा रही है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसी के साथ आगे जो बात की जा रही है वह है रेपो रेट वगैरह की बात की जा रही है, कि जो आरबीआई के द्वारा यह घटाए गए हैं, तो हम जानेंगे रेपो रेट होता क्या है और क्यों घटाए गए हैं या बढ़ाए गए हैं, जो भी किया गया है उस सब के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं डिटेल में। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यह भी, आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है कि अफगानिस्तान में शांति बनाने के लिए ईरान का फायदा, ईरान के थ्रू जो ईरान है उसके जरिए यहाँ पर शांति बनाई जा सकती है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अमेरिका की बात की जा रही है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यही बता देते हैं। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वह एक तो मेक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार उठाने की बात कर रहे हैं, तो वहां के जो उनके अंदर के जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट के, वही उनको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, तो वह सब बातें की जा रही है। साथ ही अफगानिस्तान से फोर्सेज हटाने की बात की जा रही है, ईरान पर न्यूक्लियर डील में जो सेंक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं वह किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा चीजें सही तरीके से नहीं की जा रही है और उन्हीं के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वह बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे आज शुक्रवार, तो आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन क्या है वह देख लेते हैं कि अभी देखिए अंतरिम बजट आया तो उसमें किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति साल पेंशन की बात की गई दिए जाएंगे, और वह भी हर 3 महीने में 2,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाएंगे, तो क्या यह हेल्पफुल होगा या किसानों को इससे मदद मिलेगी, तो वह बात की जा रही है। तो एक व्यक्ति बोलते हैं हाँ इनके द्वारा मदद दी जाएगी, क्योंकि देखिए किसानों को कुछ ना मिलने से अच्छा, देखो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, तो जो 2 एकड़ से कम जमीन है, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उनके लिए यह योजना थी, हमने डिस्कस किया था, तो कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो फायदा होगी यहाँ पर, तो यह बात करते हैं। दूसरे कहते हैं जी हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यह कहते हैं नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा, किस तरह से, क्यों, देखिए क्योंकि एक तो देखिए किसानों की जो हालत है, अगर एक किसान के परिवार में 4 लोग भी हैं और 2,000 रुपये 3 महीने में मिल रहे हैं, तो 1 महीने में कितना कम मिलेगा और एक व्यक्ति को कितना कम मिलेगा, तो वह आंकड़े इनके द्वारा दिए जाते हैं, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 4 व्यक्ति हैं और 1 महीने में कितने एक परिवार को पैसे मिल रहे हैं, 3 महीने में 2,000 मिल रहे हैं, ठीक है।
एक महीने में कितने, मतलब एक व्यक्ति पर कितना पैसा आएगा, रुपए आएंगे एक महीने में, तो आप देख सकते हैं क्या इस हिसाब से काम चल पाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यह बात की जा रही है, तरीके से किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनके द्वारा यह बातें भी कही जाती हैं कि इतना कम दिया जा रहा है। इससे आप देख सकते हैं तेलंगाना की सरकार तो इससे ज्यादा दे रही है, दो गुना ज्यादा दे रही है, तीन गुना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यह सब बातों को आप देख सकते हैं, दोनों पॉइंट देख लिए। तीसरा पॉइंट में कहते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड है कहना कि यह सही या गलत। देखिए, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो दिया जा रहा है ना सरकार के द्वारा, एक कोशिश तो की गई, एक शुरुआत तो की गई है, ठीक है। और एक बात यह होती है कि कोशिश तो की गई लेकिन निचले स्तर पर की गई है, तो यह कहना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि यह मददगार होगा या नहीं होगा। यह तीनों पॉइंट थे, इसको हमने यही डिस्कस कर लिया है, आगे नहीं देखेंगे। कार्टून सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनका डाटा बताया गया है कि इंडिया में कितने ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं दुनिया से कंपेयर करके, वह बात की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर बात की जा रही है जो अमेरिका, और अमेरिका यहाँ पर INF ट्रीटी से बाहर निकल रहा है, तो चाइना को किस तरह से इससे खतरा है वह बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कल के दो आर्टिकल रह गए थे उनको भी देखेंगे, तो हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए। तो पहला आर्टिकल चलते हैं, देखते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। तेहरान में शांति का रास्ता चल सकता है तेहरान से, ठीक है। ईरान का भारत को अफगानिस्तान को स्थिर करने में भूमिका, अपनी भूमिका बढ़ाने में मदद कर सकता है, किस तरह से, मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये रहा हमारा इंडिया। अब देखिएगा, थोड़े चार पांच देशों के नाम देख लेते हैं। ये रहा इंडिया, ये रहा ईरान, ये रहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ऊपर यहाँ पर रशिया हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया। तो ठीक है, अब अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से हटाई जा रही है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, इसका रीजन ये है कि देखिए, ईरान के साथ है जो अमेरिका के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, इंडिया के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे, ठीक है। अगर 1900 के दशक की बात की जाए, जब पाकिस्तान से हमारी वॉर वगैरह हुई थी। अब देखिए, चाइना के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है, रशिया के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। अगर यहाँ पर शांति बनानी है तो आसपास के जो देश हैं इनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, तो वह बात की जा रही है। तो इसी यही एक कारण, यह एक कारण भी है कि यहाँ पर शांति बनाने में नाकाम रही कौन, जो अमेरिका है वह है, ठीक है। अब बात की जा रही है कि इंडिया यहाँ से ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में शांति बना सकता है, कैसे, कि हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या चाबहार पुर डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ताकि यहाँ पर हमने एक पोर्ट यहाँ पर डेवलप्ड किया है, जिससे कि हमारी जो एंट्री है, ये रहा चाबहार, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पर हमारा एक पोर्ट डेवलप किया जिससे हम अफगानिस्तान है, और इसी के साथ यह जो देश है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर हम अपना व्यापार बढ़ा सके और अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा व्यापार बढ़ाकर शांति वगैरह बना सके, तो वह काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर ईरान को एक महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए ईरान बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो यहाँ से ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में शांति बनाने का काम कर सकता है इंडिया। अब यहाँ पर और पॉइंट दिए हैं, ठीक है, वह देखते हैं। ईरान सहित अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध दक्षिण और पश्चिम एशिया की सुरक्षा को प्रभावित करेंगे, ठीक है। ईरान के साथ संबंध है तो दक्षिण और पश्चिम दोनों एशिया में शांति बना सकते हैं, जैसे कि देखिए भारत, रूस, चीन और अमेरिका की तरह ईरान अफगानिस्तान में एक स्थिर हाथ देखना चाहते हैं, ठीक है। सैन्य प्रभाव में कमी के बावजूद भारत अफगानिस्तान को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ अपने संबंधों का निर्माण करना कर सकता है, ठीक है। शांति बनानी है तो ईरान के साथ संबंध अच्छे करने होंगे। देखिए, ईरान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, अफगानिस्तान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बस बीच में पाकिस्तान एक पड़ जाता है जिसके कारण काम बिगड़ जाता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को ईरान, रूस और चीन के साथ दुश्मनों के रूप में व्यापार करने से अमेरिका को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इंडिया को यहाँ अमेरिका की फोर्सेज हटाई जा रही है, तो इंडिया को काम करना चाहिए कि यह फोर्सेज को रोका जाए, हटाया ना जाए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से आर्मी हटेगी तो जो तालिबान है वह फिर सक्रिय हो जाएगा और फिर और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। अब उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो 2014 से 16 तक वॉशिंगटन और मॉस्को ने चुपचाप अफगान शांति प्रक्रिया पर वार्ता की व्यवस्था की, ठीक है। वॉशिंगटन अमेरिका और मॉस्को रशिया दोनों ने वार्ता की, 6+1 समूह यहाँ पर था रूप में जानी जाती थी जो वार्ता वाली बैठक हुई थी। अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधित्व शामिल थे, यह सब देश शामिल थे यहाँ पर। इसमें क्या माना, इसमें से प्रत्येक देश एक राजनीतिक समझौते की उपलब्धि के लिए आवश्यक था, अफगानिस्तान इसके अलावा पिछले नंबर पर था इसमें,
यह काम इनके द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी शांति वगैरह नहीं बनाई गई। अफगानिस्तान को सुरक्षित करने के लिए ईरानी राजनयिक विकल्पों का पता लगाना भारत के लिए सार्थक हो सकता है। तेहरान के साथ अच्छी शर्तों पर नई दिल्ली दक्षिण ईरान में चाबार बंदरगाह को विकसित करने हासिल करेगी। ठीक है, चाबार पोर्ट अभी हमने देखा, तो यहाँ से शांति बनाई जा सकती है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो चाबार पोर्ट है, जो रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना के संस्थापक देश थे, जब तक 2002 तक यह संस्थापक देश थे। यहाँ पर चाबार वगैरह यहाँ पर डेवलप किया है इसने, भारत रूस, और रूस अच्छा दोस्त है इंडिया का, तो इन सब ने मिलकर यहाँ पर अच्छा काम किया। भारत रूस ईरान और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच संपर्क बनाने के लिए जो हमने अभी मैप में देखा वह बात की जा रही है। भारत वॉशिंगटन को अफगानिस्तान पर अमेरिका और ईरानी हितों के पिछले सहयोग के बारे में याद दिला सकता है। अमेरिका और भारत के साथ मिलकर ईरान ने 2001 में तालिबान को उखाड़ फेंकने का समर्थन किया था। उस वर्ष वन में हुई अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में ईरान ने राष्ट्रपति के रूप में हामिद करजाई की स्थापना का समर्थन किया और अपनी सरकार के लिए तालिबान के बहिष्कार का समर्थन किया। जाहिर है, देखिए उस टाइम पे यह काम तो हो गया, लेकिन जाहिर है अमेरिका ईरान संबंध अक्सर अग्रभग्र रहे, यानी कि ईरान और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। अभी अमेरिका ने ईरान पर यहाँ पर सेंक्शंस लगाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल दिए गए हैं। 2005 के बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और अभी भी लगाए हैं। ईरान ने तालिबान को अपनी सीमाओं पर अमेरिका प्रभाव का मुकाबला करते हुए देखा और उन्हें हथियार भी दिए यहाँ पर। अब देखिए अमेरिका की फोर्स अफगानिस्तान में, तो ईरान को एक डर है कि अमेरिका की फोर्स अफगानिस्तान में है, ईरान पर भी इसका खतरा हो सकता है। तो ईरान ने किसे, तालिबान को यहाँ पर समर्थन किया और उन्हें हथियार दिए। ईरान अफगानिस्तान में अमेरिका की उपस्थिति का विरोध करना जारी रखता है क्योंकि यह डर है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की फोर्स है इसका इस्तेमाल जो ईरान है इसके खिलाफ अमेरिका कर सकता है। तो यह प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं डर बना रहता है। तो अमेरिका को जरूरत है कि ईरान के साथ संबंध अच्छे रखें। पिछले दिसंबर में ईरान ने भी तालिबान के साथ अफगान सरकार के ज्ञान के साथ बातचीत की, लेकिन यह काबुल को अपने अच्छे इरादे का आश्वासन देना चाहिए। ठीक है, आश्वासन देना चाहिए यहाँ पर ईरान को कि यहाँ पर तालिबान का समर्थन नहीं करेंगे, अफगान सरकार का समर्थन करेंगे। हाल के महीनों में अफगान अधिकारियों ने ईरान पर आरोप लगाया जो कहता है कि अमेरिकी पश्चिमी अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ताकि तालिबान को धन, हथियार और विस्फोट मुहैया कराया जा सके, ईरान ने आरोप लगाने से इनकार कर दिया। इनकी वही बात की जा रही है, अफगानिस्तान ईरान पर आरोप लगा रहा है कि यह तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और ईरान को आपसी और क्षेत्रीय संबंधों में सुधार के फायदे की सलाह दी जा सकती है। इस तरह के फायदे अफगानिस्तान में स्थिरता और उससे आगे बढ़ सकते हैं, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम एशिया में व्यापार की संभावना को बढ़ाने के लिए। व्यापार की संभावना है, शांति से अगर काम किया जाए तो व्यापार बढ़ सकता है, सबको फायदा होगा। तो वह बात यहाँ पर ध्यान में देनी चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान की सुरक्षा में सुधार के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। और जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के विचार को हवा दी है, अब भारत के लिए उनके बीच ईमानदार दलाल, यानी कि भारत के लिए एक तरीके का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि बीच में जाए अमेरिका, और अमेरिका के साथ भारत के संबंध थोड़े अच्छे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, तो सबके साथ संबंध अच्छे हैं इंडिया के। अगर देखा जाए इस वाले क्षेत्र में जो हमने अभी देखा, तो इंडिया एक ऐसी जगह है जो यहाँ से यहाँ पर शांति बनाने का काम कर सकती है। तो इंडिया के पास एक मौका है कि अपना बीच में अपना रोल प्ले करे और यहाँ पर शांति बनाए। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है। अभी आगे वाले आर्टिकल भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यह था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि अमेरिका से ही संबंधित है और चाइना। अब यहाँ पर बात की जा रही है ड्रैगन को मारना, किस तरह से ड्रैगन। अब देखिए ड्रैगन कहाँ है, चाइना। चाइना एक तरीके से सिंबल दर्शाता है ड्रैगन। INF संधि से बाहर निकलकर अमेरिका ने चीन और रूस को एक नई हथियारों की दौड़ में खींच लिया, इसको हमने डिस्कस किया था, अब हम इसको थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखिए चीन ने अमेरिका की ओर से लैंडमार्क इंटरमीडिएट रेंज, इसका फुल फॉर्म है INF का, लैंडमार्क इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF संधि से बाहर निकलने का फैसले की आलोचना की है। क्यों, देखिए जिसे 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने 500 से
5500 किलोमीटर तक की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों को मिटाने के लिए हस्ताक्षरित किया था उनके स्नातक गार से। ठीक है क्यों, अब देखिए चाइना को इसमें क्या दिक्कत आ रही है वह हमें इस मैप में जानने को मिलेगा। तो आप देखेंगे इस तरफ से थोड़ा चलेंगे हम, यहाँ रहा चाइना, ऊपर हो गया रशिया और थोड़ा सा आप यहाँ जाएंगे तो ये रहा आपको अमेरिका मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है तो इस वाले एरिया में ऑलरेडी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में वो चलता है, जापान है अमेरिका के इसमें, यहाँ पर अमेरिका की बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और जो फोर्सेस वगैरह है वही रहती है तो चाइना को यहाँ पर खतरा नजर आता है। ऊपर रशिया हो गया तो यहाँ पर संधि हुई थी कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार वगैरह नहीं रखे जाएंगे इस वाले रीजन में इतने वाले क्षेत्र में। अगर यह संधि खत्म होती है तो रशिया हो गया और अमेरिका दोनों हथियारों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाएंगे और चाइना को यहाँ पर खतरा होता हुआ नजर आएगा। और देखिए एक यह वाला एरिया आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार आज के समय में मिल रहा है तो इस वाले एरिया में और ज्यादा हथियार आएंगे तो यहाँ से चाइना को व्यापार को खतरा तो होगा ही होगा, साथ ही यहाँ पर इंडिया के लिए भी थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर वह चिंता यहाँ जताई जा रही है चाइना के द्वारा। प्रमुख हथियार नियंत्रण संधि के ढहने के बाद सभी देशों में से चीन सबसे अधिक प्रभावित होता है। चीन को उम्मीद है कि अमेरिका अब प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका निवारक के केंद्र में माइक्रोनेशिया के एक बड़े सैन्य अड्डे गुआम में परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की अपनी सामरिक मिसाइलों को मजबूत करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहां पर माइक्रोनेशिया और गुआम में यहां पर परमाणु हथियार वगैरह लाएगा। यह भी उम्मीद है कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकानों को पैक करेगा, विशेष रूप से ओकिनावा में पूर्वी चीन सागर में द्वीपों का एक स्टिंग जो जापान के है। ठीक है जापान वाले एरिया में अभी देखा हमने मध्यवर्ती रेंज की मिसाइलों के साथ। ऐसा करके अमेरिका पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसैनिक जहाजों की आवाजाही में वस्तुतः बॉक्स लगाने में सक्षम होगा, विशेषकर जापान में मियाको स्ट्रेट जैसे खुले समुद्र के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार की सुरक्षा के द्वारा है। तो जैसे अभी हमने लोकेशन देखा उस वाले क्षेत्र में किस तरह से है, जो जहाज वगैरह जाएंगे चाइना से या फिर जो भी चाइना की व्यापारी स्थितियां या आर्मी वाली जो कंट्रोल की चीजें हैं जो उन सबको यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है वह है चिंता यहाँ जताई जा रही है। इसी के साथ देखेंगे आप चीन इस बात से अवगत है कि पोस्ट इन मिसाइल प्रक्षेप पास्ट अपनी स्वयं की निवारक क्षमता को कम कर सकता है, विशेषकर इसकी मध्य दूरी की मिसाइलों को। वर्तमान में अमेरिकियों के पास चीन के DF-21D मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। ठीक है चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है तो हो सकता है यह खतरनाक है इसके लिए। इन हथियारों को 1450 किलोमीटर की दूरी पर भी अमेरिका विमान वाहकों को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। चीन ने हाल ही में अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ाया जो गुआम पर हमला कर सकती हैं। तो इनने यह हटा भी ली यहाँ से, अब हो सकता है यहाँ पर अमेरिका आ जाए गुआम में तो यहाँ पर चीन के लिए यह खतरा बना हुआ है। अब देखिए चीनी मीडिया रिपोर्टरों ने बीजिंग चीन की कैपिटल है जो की आशंका को प्रकट किया है कि अमेरिका कुछ हद तक एक नए हथियार नियंत्रण संवाद का प्रस्ताव करने की संभावना रखते हैं जो तेजी से चीन की मध्य दूरी की मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित करता है। चीन की मध्यवर्ती श्रेणी की मिसाइलों को लक्षित करने वाली नई संधि से पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में वॉशिंगटन के सैन्य प्रभुत्व के चीन के लिए चीनी चुनौती को समाप्त करने की उम्मीद है। तो देख सकते हैं पश्चिम प्रशांत क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर यहाँ इसकी बात की जा रही है इस वाले एरिया की। ठीक है यहाँ की तो आप यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है चीन को, लेकिन बीजिंग समतुल्य के लिए तनाव में चल रहे झगड़े में और नियमों को लिखने में प्रशांत के पानी में वॉशिंगटन द्वारा एक दूसरे स्थान पर नहीं होगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी एक वेबसाइट चाइना मिलिट्री ऑनलाइन में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा प्रत्याशित कदमों के मद्देनजर चीन को मात्रात्मक सुधारों के बजाय गुणात्मक के माध्यम से अपने परमाणु स्नातागार को तेजी से मजबूत करना होगा। तो चीन को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा जिससे कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीजिंग के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने के लिए अपनी पारंपरिक रोकटोक के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है पारंपरिक रोकटोक होगी और उसके अलावा कोई भी यहाँ पर रोकटोक नहीं होगी जो कि किसी भी मौजूदा जमीनी मिसाइलों के बचाव से अचूक होकर ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक निशाने पर हो सकती है। यानी कि कितनी तेज यहाँ से यहाँ जाती है ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज जाती है यह।
राजनीतिक हमलावरों की अगली पीढ़ी के साथ साथ लंबी दूरी की हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें भी बीजिंग के रडार पर हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हथियारों की दौड़ लग सकती है, एक तरीके से लड़ाई भी शुरू हो सकती है इस सब चीज से। तो यह सब चीजें सही नहीं हो रही हैं जो कि अमेरिका के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। INF संधि से बाहर निकलने का गलत कदम उठाते हुए भारत प्रशांत को अस्थिर करने की क्षमता के साथ अमेरिका ने चीन के साथ साथ रूस को एक नई और अप्रत्याशित हथियारों की दौड़ में घसीटा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं रशिया भी यहाँ पर आ रहा है, इंडिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, अमेरिका। तो यहाँ पर एक नई दौड़ शुरू होती हुई नजर आ सकती है अगर यह INF संधि से बाहर निकलते हैं तो, जो कि एक तरीके से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह चिंता का विषय आज के समय में बना हुआ है। वही बात यहाँ पर अभी पिछले आर्टिकल में जो हमने देखा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के लोग ही इन सब का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह था हमारा आर्टिकल, इसी के साथ चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो राष्ट्रीय आर्टिकल होता है। तो इसमें बात की जा रही है इस वाले आर्टिकल में भारत के कई संस्थानों पर शासन कर रहा है। तो आज के समय में देखिए 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से 2019 आ गया, चुनाव आने वाले हैं अभी। तो उसमें जो सरकार थी NDA की सरकार, मोदी जी की सरकार, उसने क्या अभी तक कितना डेवलपमेंट किया, कितना विकास किया, तो उसको देखा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। तो इसमें तीन जो क्षेत्र हैं उनको लिया गया है, जो उनका सूचकांकों पे यहाँ पर देखा जा रहा है। कौन कौन से हैं वह तीन, वह देख लेते हैं। पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितनी आसानी से यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो मानव विकास है उसको किस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है। तीसरा कौन है यहाँ पर, एनवायरमेंट, यानी कि जो पर्यावरण है, जो वायु प्रदूषण वगैरह है, जो पर्यावरण परफॉर्मेंस है उसको देखा जा रहा है। तो इस तीन सूचकांकों को लिया जा रहा है, उन पर बताया जा रहा है कि किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, पहला जो देखा जा रहा है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब इसमें देखा जा रहा है, देखिए मोदी सरकार ने जो व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र EDB सूचकांक के संदर्भ में भारत की बेहतर रैंकिंग के आधार पर बहुत कुछ निर्धारित किया है, यानी कि व्यापार है जो, इसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी सुधरी है, ठीक है। आसानी से जो व्यापार वगैरह वाली सुविधाएं हैं उसमें वास्तव में अगर देखा जाए तो सुधार काफी है। 2014 में जो भारत की रैंक 134 थी, 2018 में भारत की रैंक सुधर कर 77 हो गई। यहाँ पर भारत की जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर 2014 के बाद से NDA गवर्नमेंट, इसने काफी अच्छा यहाँ पर काम किया। और जो 2000 जो रैंकिंग आई है 2018 में 190 देशों को स्थान दिया गया है इसमें, और भारत की रैंकिंग 77 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है 2018 में। भारत शीर्ष 50% में था, यानी कि 50% तक सुधार हुआ यहाँ पर, और शीर्ष 50% में था। स्थिति शानदार नहीं है लेकिन सुधार जैसा है कि कहा है उल्लेखनीय है। देखिए अभी भी 77 रैंक है लेकिन स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है, अभी भी और सुधार होने की उम्मीद है और होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो सरकार ने काम किया वह उल्लेखनीय है। इसी के साथ अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो उसमें बात की जा रही है कि विश्व बैंक द्वारा एक संकेत जो मुख्य रूप से एक व्यवसाय चलाने पर सरकारी नियमों के प्रभाव के सूचकांक के रूप में है। इसका अर्थ है कि किसी समाज में संपत्ति के अधिकार को दर्शाना भी, कि देखिए EDB है जो, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है व्यापार, तो इसको किस तरह से यहाँ पर देखा जाए, किस तरह से यह रैंक सुधरी है, किन संकेतों के आधार पर। तो यहाँ पर सरकारी अधिकारियों, वकीलों, व्यापार सलाहकार, अकाउंटेंट और कानूनी और नियमांक अनुपालन पर सलाह प्रदान करने में शामिल अन्य पेशावरों में जवाब मांगे जाते हैं। एक देश की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि सरकार के नियम किस हद तक की सुविधाएं प्रदान करते हैं, यानी कि सरकार ने कैसे नियम बनाए, किस तरह का व्यापार के लिए इनने योजनाएं चलाई, किस तरह से पैसा बैंकों द्वारा दिया गया व्यापार शुरू करने के लिए, तो वह सब चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, उस हिसाब से रैंकिंग बनती है। व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट प्राप्त करना, कि हमें किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो बैंकों द्वारा पैसा दिया जा रहा है, और व्यापार शुरू करने के लिए हमें परमिट भी चाहिए तो वह किस तरह से मिल रहा है, बिजली किस तरह से हमें मिल रही है व्यापार के लिए, संपत्ति कैसी है हमारी, उस तरफ पंजीकरण है कि नहीं जगह का, ऋण प्राप्त हो रहा है बैंकों से कि नहीं, निवेशकों की सुरक्षा है कि नहीं जो निवेश कर रहे हैं व्यापार में, कर का भुगतान किस तरह से हो रहा है, सीमाओं पर व्यापार किस तरह से है, समुद्र में किस तरह से हम व्यापार कर सकते हैं, अनुबंधों का प्रवर्तन और दिवालियेपन का समाधान किस तरह से किया जा रहा है। तो यह सब पॉइंट यहाँ पर बताए जाते हैं, उस हिसाब से रैंकिंग यहाँ पर निकल के आती है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वह क्या है, मानक विकास सूचकांक, यानी कि जो हम हैं व्यक्ति हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव का विकास है वह किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर HDI एक देश में आय
स्वास्थ्य और शिक्षा के संकेत का आयोजन करता है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है यानी कि मानव विकास सूचकांक, वह किस किस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति है जो विशेष मानव है जो उसकी आय कितनी है, स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरह से मिल रही है उसको, उन पर यहाँ पर रैंक बताई जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए जब हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ओर मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि 2014 के बाद भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2014 में भारत 130वें स्थान पर था और 2018 में 185 देशों में से एक ही स्थान पर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ है यह कहा जा रहा है। यहाँ प्रासंगिकता यह है कि भारत HDI रैंकिंग नहीं है, भारत की कोई HDI रैंकिंग नहीं है। हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही वाली अर्थव्यवस्था के बावजूद इसमें सुधार हुआ है, क्योंकि सरकार अक्सर अपने आकलन में बताती है, सरकार बताती है कि यहाँ पर सुधार हुआ है, दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई विकास हुआ होगा, लेकिन रैंकिंग यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। यह हुआ। अब इसी के साथ अगर हम तीसरे सूचकांक की तरफ चलें, कौन सा, पर्यावरण प्रदर्शन, पर्यावरण पर किस तरह से यहाँ पर काम हुआ, तो देखिए EPI विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है सूचकांक कई इशू श्रेणियों में 24 प्रदर्शन संकेतों पर देशों को रैंक करता है। 24 प्रदर्शन दिखाए जाएंगे यहाँ पर किस तरह से, वह अभी हम देखेंगे, जिनमें से प्रत्येक 2 अतिव्यापी उद्देश्य हैं। हमें पता चलेगा कि किसी देश का पर्यावरण किस तरह से है, तो उसमें किस तरह से पता चलेगा, रैंक किस तरह से बताई जाएगी, वह बताया जा रहा है। यानी कि देखिए, पर्यावरण स्वास्थ्य और इकोसिस्टम जीवन शक्ति के तहत फिट होते हैं। मुख्य श्रेणियां, वायु गुणवत्ता कैसी है किसी देश की, जल और स्वच्छता कैसी है, जल संसाधन, कृषि कैसा है वहां का, वन कैसे है, मत्स्य कैसा है, जैव विविधता और निवास स्थान और जलवायु और ऊर्जा किस तरह की मिल रही है, यह सब बताते हैं कि किसी देश की पर्यावरण व्यवस्था कैसी है। ये मैट्रिक्स राष्ट्रीय स्तर पर एक गेज के रूप में सेवा करने के लिए है कि किस पास के देश पर्यावरण नीतियों के लक्ष्यों को कैसे स्वीकार करते हैं। 2018 में भारत 180 देशों में से 177वें स्थान पर रहा, यानी कि पर्यावरण की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए भारत की स्थिति बहुत गिरी हुई है। 180 देश हैं और उसमें से भारत की स्थिति 117 है। 2014 से पहले ही बहुत कम रैंक में फिसल गया है। 2014 में तो अच्छी थी लेकिन अब विकास हुआ जैसे जैसे वहां पर, तो रैंक यहाँ पर नीचे गिरती चली गई। तो पर्यावरण एक खतरनाक इशू बना हुआ है इंडिया के ऊपर, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारे पास व्यापार, मानव विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में भारत की प्रगति के संकेतक हैं। एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है, सरकार ने आक्रामक तरीके से कारोबार माहौल में सुधार किया, ऐसा प्रतीत होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के मामले में फिर फल निकले हैं। हालांकि ऐसा समय में जब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, मानव विकास पर भारत की रैंक अपरिवर्तित बनी हुई है और पर्यावरण प्रदर्शन पर अंतिम स्थान के करीब है। तो आप देख सकते हैं तीनों प्रकार के हमने सूचकांक देखे, तो इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया में विकास हुआ है? अगर हाँ तो आंसर में आप कमेंट में लिखें यस, और अगर नहीं तो नो, आपको यह आंसर जरूर देना है कमेंट में, यस और नो, 3 और 2, 5 शब्द हैं, 5 में से 3 या 2 लिखने हैं आपको कमेंट में, तो आंसर जरूर दें। आपको क्या लगता है कि इंडिया में विकास हुआ है या नहीं? हमने 3 पॉइंट अभी डिस्कस किए इनको देखकर, तो आप बता सकते हैं। तो यह था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, काफी इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगले आर्टिकल में बात की जा रही है यहां पर, आप देखेंगे विकास का सहारा। जैसा कि RBI ने बेंचमार्क रेपो रेट में कटौती की है, राजकोषीय घाटे पर चिंता बनी है। रेपो रेट बेंचमार्क है जो, रेपो रेट, इसमें कटौती की गई है, विकास का सहारा बताया जा रहा है। रेपो रेट होता क्या है तो वह देख लेते हैं। आपने देखा होगा हम बैंक जाते हैं, हमें कोई बिजनेस करना है, हमें व्यापार करना है, तो बैंक जाते हैं हम और लोन लेते हैं, और लोन पर हमें कुछ ब्याज भी देना पड़ता है बैंक को, ठीक है? तो अब देखिए बैंक के पास पैसा कहाँ आ रहा है, जैसे हम देख लेते हैं, एक हो गया RBI, ठीक है, केंद्र सरकार का बैंक है यह, ठीक है। दूसरा होगा स्टेट बैंक, ठीक है, SBI हो गया। तो SBI के पास अगर हम लोन लेने जाते हैं तो SBI के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो जो SBI है वह पैसा लेता है RBI से, या दूसरे जो बैंक हो गए, यूनियन बैंक हो गया, कोई से भी बैंक हो गए, ठीक है, वह किससे पैसा लेते हैं उधार? RBI से। RBI दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है, और जो बैंक SBI ने, मान के चलो RBI से पैसा उधार लिया, तो SBI जो बैंक है इसको RBI को कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा ब्याज के साथ। फिर RBI है जो लोगों को पैसा देगा
ब्याज के लिए, और हमें आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को सॉरी हमें एसबीआई को पैसा देना पड़ेगा ब्याज के साथ, और एसबीआई को आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा ब्याज के साथ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों में अंतर याद रखें। तो जो ब्याज दिया जा रहा है एसबीआई के द्वारा आरबीआई को, उससे हम बोल रहे हैं रेपो रेट, कि किस रेट पर हमें आरबीआई पैसा ब्याज पर देता है बैंकों को, उसे रेपो रेट बोला जा रहा है। तो याद रखें यह, ठीक है। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति के रूप को कैलिब्रेटेड कसने में एक कदम में बदलने के 4 महीने बाद ब्याज दरों को उच्च स्तर करने के संकेत दिया था, कि ब्याज दर यहाँ पर उच्च स्तर पर होंगी, एक संकेत दिया गया था। लेकिन इसने दिशा को उलट दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कटौती कर दी गई है ब्याज दर में या रेपो रेट में, तो याद रखें, जिससे कि यहाँ पर जो राजकोष है उसमें तो एक तरीके का घाटा होगा, कि ब्याज कम मिलेगा तो पैसा कम आएगा गवर्नमेंट के पास, तो एक घाटा यहाँ पर यह होगा। न केवल आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से एक तटस्थ मुद्रा में वापस आने का विकल्प चुना है, बल्कि दर सेटिंग पैनल ने अप्रत्याशित रूप से 4-2 बहुमत से बेंचमार्क रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करके 6.2% करने का फैसला किया है। यानी कि यहाँ पर कटौती कर दी गई है और 6.2% तक करने का फैसला कर दिया है रेपो रेट है, जो कम से कम अक्टूबर दिसंबर तिमाही तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के धीमे होने से 4% के माध्यम अवधि के लक्ष्य से नीचे रहने का अनुमान है। एमपीसी ने विकास समर्थन रुख की ओर बढ़ने के लिए एक उपयुक्त क्षण देखा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि रेपो रेट में कटौती की जा रही है, वह आपको अभी मैं बताऊंगा आर्टिकल खत्म होने से पहले। आरबीआई को अगले वित्त वर्ष की पहली छिमाही में वृद्धि के पूर्व अनुमान के नीचे संशोधन से स्पष्ट होने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर में दिए गए बयान में 7.5% से लेकर 7.2 से 7.4 की सीमा तक प्रक्षेपण को कम कर दिया, यानी कि पहले कितना था इतना था, अब कम करके 6 कर दिया गया है, क्योंकि वैश्विक विकास को धीमा कर रहा है और विदेशों में मांग को धीमा करने के कारण मौजूदा घरेलू असंतुलन में अनिश्चितता है। अब देखिए, यह कम क्यों किया गया है वह देख लेते हैं। देखिए, बैंकों के पास पैसा कम ब्याज पे आएगा तो बैंक भी जो व्यक्ति है बिजनेसमैन है उनको भी पैसा कम ब्याज पर देंगे, जिससे कि ज्यादातर लोगों को ब्याज मिलेगा और ज्यादातर लोग ब्याज लेने आएंगे बैंकों के पास, और फिर बिजनेस भी ज्यादातर लोग करेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। तो वह सब चीजें देखकर की जा रही हैं, जिससे कि व्यापार बढ़ जाएगा तो इनकम हो जाएगी, फिर बाद में फिर ब्याज रेट बढ़ा देंगे, तो यह बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस की यह बातें हैं। विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और आयात जो नवंबर दिसंबर में अनुबंधित निवेश पर मांग का एक प्रमुख गेज है, यानी कि अगर निवेश करना है किसी व्यापार में तो पैसा होना चाहिए, और पैसा अगर होगा कब, जब ऋण कम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पर लोग ऋण पर लेंगे बैंकों से, वह बात की जा रही है। अब देख लेते हैं एक पॉइंट और है, विभिन्न फसलों में रबी की बुआई में 4% की समग्र कमी हुई, यानी कि रबी की फसलों में सामग्री कम हुई है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और पूर्ण स्तर से देखा जाए तो सिर्फ 44% पर। मुख्य जलाशयों में भंडार, कृषि उत्पादन में वृद्धि की मंदी चिंताजनक रूप से और अधिक विकटित हो सकती है। आरबीआई के दिसंबर के बयान में 7.5% से 4% वैश्विक विकास को धीमा करने और विदेशों में मांग को धीमा करने के कारण प्रचलित घरेलू असंतुलन को अनिश्चितता प्रदान करता है, यानी कि देखिए 7.5 से 4% तक जो वैश्विक विकास हो रहा था वह धीमा हो चुका है, तो जो घरेलू असंतुलन पैदा हो रहा था उन सबको यहाँ पर देखकर यह सब काम किए जा रहे हैं, तो वह यहाँ पर आर्टिकल था। इसी के साथ यहाँ पर यह जो इंडेक्स है वह बताया जा रहा है कि कितने लोग कितनी मात्रा में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, तो 64% ऑफ इंडिया है जो यहाँ पर यह कर रहे हैं। सर्वे में पाया गया है कि 2018 में 64% लोगों ने यहाँ पर मोबाइल ऑन किए, मोबाइल खरीदे मतलब, और 24% लोगों ने स्मार्टफोन खरीदे यहाँ पर, तो यह यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी के साथ दुनिया भर में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ओनरशिप चल रही है, तो यहाँ पर यह इस तरह से जो ग्राफ है उठता हुआ नजर आ रहा है, और एक ग्राफ इस तरह से यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो दोनों ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मोबाइल फोन यूज किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो यह है, इंडिया में ग्लोबल कंपेरिजन किया जा रहा है किस तरह से इंडिया में फोन यूज किए जा रहे हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और जो एडवांस इकोनॉमी है। एडवांस इकोनॉमी अमेरिका हो गया, इंग्लैंड वगैरह, यह सब इस तरह से आगे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं। इंडिया 3rd नंबर पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो
तो इंडिया पीछे ही है अभी हर एक क्षेत्र में, किस तरह से स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है, सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, हर एक क्षेत्र में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ऑन द अपसाइड किस तरह से अपसाइड की तरफ यह जा रहे हैं, कितने तरीके के लोग यूज कर रहे हैं, डाटा यूज किया जा रहा है, वह सब पॉइंट दिखाया जा रहा है। तो हर एक क्षेत्र में इंडिया एक तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा चारों, अगर आंकड़े देखे जाए तो। यह काफी शानदार है, आप इसको थोड़ा पढ़ भी ले पॉज करके, काफी इंटरेस्टिंग है यह। इसी के साथ हम इस आर्टिकल को यहीं पे खत्म कर देते हैं। जो अगले दो आर्टिकल बचे हैं इनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा होगा, वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, उतने भी छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो हम इनको कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल का दिन शनिवार का है, कल आर्टिकल कम ही आते हैं, ग्राउंड जीरो आता है तो आर्टिकल कम रहेंगे, तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।